कर्नाटक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिल्मी सितारों, खिलाड़ियों और स्टार्टअप्स जगत के लोगों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बेंगलुरु, यहां पर आंका के वायुसेना स्टेशन में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का किया उद्घाटन। एयरो इंडिया में पहुंची यूएस चार्ज डी अफेयर्स ए एलिजाबेथ जोन्स, नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच मजबूत संबंधों पर डाला प्रकाश। लखनऊ में आयोजित हुई G20 DEWG की बैठक, सीएम योगी ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य की भावना के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। निवेश महाकुंभ UPGIS 2023 के समापन दिवस के लखनऊ पहुंची राष्ट्रपति, राजभवन में आयोजित रात्रि भोज में हुई शामिल, सीएम योगी भी रह पहुंचे। वर्धमान में भारतीय घोटाले पर युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस आक्रोशित, यशपाल आर्य और सुमित हृदेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोविंद वल्लभ पंत पार्क में किया प्रदर्शन। डीडवाना में श्री आदर्श सरस्वती सेवा समिति के तत्वावधान में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, शिविर में 220 नेत्र मरीजों की हुई जांच, 98 मरीजों का लेंस प्रत्यारोपण के लिए किया गया चयन। छतरपुर में 12 फरवरी से बागेश्वर धाम में होगा महायज्ञ का आयोजन, शिवरात्रि पर होगा 121 गरीब कन्याओं का विवाह, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। बुरहानपुर में गोटिया पीर स्थित बादशाह स्टील दुकान का चोरों ने तोड़ा ताला, 25,000 नकद, वायर के बंडल और 80,000 कीमत की चुराई खड़िया। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत, गर्म पूड़ियों को लेकर दो पक्षों में आपस में विवाद में युवती की मौत, बिसौली कोतवाली क्षेत्र के सटाखेड़ा गांव का मामला। कालाडूंगर में महाशिवरात्रि पर्व को भक्तों में उत्साह, कांवड़िया तीर्थ नगरी हरिद्वार से बेल पड़ाव के लिए हुए रवाना, 18 फरवरी को कांवड़िया भगवान शिव का गंगाजल से करेंगे जलाभिषेक। हंडिया में NIGI विश्वविद्यालय सेवा केंद्र में शिव जयंती महोत्सव का आयोजन, शिव जयंती पर नगर में निकाली गई शोभा यात्रा, यात्रा पुष्प वर्षा करके लोगों ने किया स्वागत। शमशाबाद में ग्राम वर्धा में कांग्रेस ने निकाली हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर लगाया आरोप, कहा हम सब एकजुट होकर बनाएंगे सरकार। बेमित्रा में पिकअप और कार के आपस में भिड़ंत के बाद दोनों घायल, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल, पुलिस मौके पर पहुंची। नरवर में कुशवाहा समाज ने सावित्रीबाई फूले की 142वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई, एक दिन पहले समाज की एक मासूम बेटी की हुई थी हत्या, कार्यक्रम पीड़ित परिवार के प्रति दी श्रद्धांजलि। बुरहानपुर में विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी ने निकाली शौर्य यात्रा, मातृशक्ति ने लव जिहाद जैसे मामलों में सजग रहने और सतर्क रहने का दिया संदेश। एयर शो में स्वदेशी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट पर बजरंग बली टेल पर लिखा तूफान आ रहा है, मोदी बोले ये सिर्फ एयर शो नहीं भारत की ताकत। भारत पाक के खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाया, मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे से मिले प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट ने शेयर किया। वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी, मानधाना पहली करोड़पति, 3.4 करोड़ रुपए में बेंगलुरु ने खरीदा, नेटली ने मुंबई 3.2 करोड़ में अपने साथ जोड़ा। पाकिस्तान की एक और उम्मीद टूटी, 10 दिन की मीटिंग के बाद बिना कर्ज दिए चला गया IMF, पाकिस्तान के खजाने में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर हुआ 2.91 बिलियन डॉलर। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा फिर करेंगे शादी, वैलेंटाइन डे पर उदयपुर में लेंगे फेरे, 3 साल पहले की थी पूर्ण मैच। तुर्की सीरिया में 34,000 से ज्यादा मौतें, सीरिया बॉर्डर से लौटी 3 देशों की रेस्क्यू टीम, विद्रोहियों की झड़पों में जान गंवाने का डर। न्यूजीलैंड में साइक्लोन गैब्रियल का अलर्ट, 509 फ्लाइट कैंसिल, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवा, 46,000 घरों की बिजली गुल। यूएस कनाडा बॉर्डर के पास दिखा चौथा फ्लाइट ऑब्जेक्ट, जमीन से 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था ऑब्जेक्ट, अमेरिकी एयरफोर्स ने मार गिराया। अमेरिका से तनातनी के बीच चीन बढ़ा रहा है अपना परमाणु ताकत, रिपोर्ट का दावा, साल 2035 तक 900 न्यूक्लियर हथियार तैयार कर लेगा चीन।